और मैं इसकी अगर टिकट की डॉक्यूमेंटेशन होते हुए तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि और ये हम लोग भोलपुर शांति निकेतन अराइव करते हुए अभी अचानक से नींद खुली तो देखा रामपुर हाट में बहुत देर से खड़ा। चाय जो है वो मतलब उतनी भी ख़राब नहीं है पीने, तो मैंने यहाँ से अभी सोन पापड़ी लिया है और हम लोग यहाँ पर आधा घंटा से बैठे ही हुए हैं। मैंने अपने गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आमी भालो आशी एवं आपने आशा करी। तो यस, इट्स अ टाइम फॉर दुर्गा पूजा इन कोलकाता। तो मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक नए सफ़रनामे को शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग की आज एक ट्रेन जर्नी जो होने वाली है वो 13071 हावड़ा जबालपुर सुपर एक्सप्रेस में होने वाली है, जो यहाँ पे खड़ी है। ये आप देख सकते हैं DCF कोचेस के साथ चलती है, तो ये एक नई रूट होने वाली है और अपने को भी मतलब कि इस रूट के बारे में मतलब उतना पता नहीं है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोग को भी मैं दिखला दूँ। ये जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन होती है ये मतलब उससे काफ़ी मतलब कि डिफरेंट लाइन है। ये आपके बर्दवान तक जाती है, उसके बाद वहाँ से आपको दूसरे रूट पर चल जाती है, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको भी आपको कवर करके दिखला दूँ। तो एक नए सफ़रनामे हैं, तो चलिए इस सफ़रनामे को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंजन दिखला देता हूँ कि इससे मतलब कि इस जर्नी पे हम हमारे साथ कौन सा इंजन देने वाला है। तो आइए आपको इंजन की तरफ लेके चलते हैं और एक बार इंजन आपको दिखला देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30105 हावड़ा का WAP5 इज़ लीडिंग आवा हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस। तो इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि अपने को आज WAP5 मिला है। तो मतलब बेसिकली मतलब एक मतलब शॉर्ट जर्नी पे कोई अगर सुपर फास्ट ट्रेन अगर जाती है अगर, तो मतलब ऐसे ही टाइप का मतलब कि हम लोग को मतलब WAP5 ही जनरली अलॉट होती है। तो आज हम लोग को भी मतलब कि और इस तरफ में आप देख सकते हैं हावड़ा कालका मेल रेडी है, वो भी डिपार्ट करने के लिए। उसका शायद आई थिंक 9:45 में हावड़ा से निकलने की मतलब टाइमिंग है। तो चलिए देखते हैं कि अपना सफ़रनामा आज का कैसा होता है। मैं आप बोल सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो भी इवेंट्स होता है मतलब बहुत रश वाला होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब के रश है यहाँ पे। आपको AC1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा कोचेस भी जोड़ा गया है, मतलब ये काफ़ी मतलब के यहाँ का प्रीमियम ट्रेन है, तो काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन भी है। तो देखते हैं कि अपना जर्नी कैसा होता है और ऑन टाइम रहती है कि नहीं। ऐसे इसका मतलब पंचुअलिटी के हिसाब से तो देखा जाता है मतलब कि ऑन टाइम ही रहती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9:35 हो रही है और एग्जैक्ट टाइम में यहाँ से हम लोग का हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस 8 नंबर प्लेटफॉर्म डिपार्ट करते हुए। और ये देख सकते हैं SE कोच जो भी है, मैंने पहले दिखलाया, एक नया कोच ऐड किया गया ड्यू टू मतलब रश मतलब पूजा रश क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर हावड़ा कालका मेल भी यहाँ पे निकलने के लिए रेडी है WAP4 के साथ। और ये हम लोग का हावड़ा आउट है। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!
have no regrets, yeah, I'll tatter up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains. तो होपफुली आप लोगों को वो टाइम लैप्स अच्छा लगा हो, और अभी हम लोग बस चले ही जा रहे हैं। और आपके अपने सीटिंग के बारे में मैं बताऊं तो मुझे एक विंडो सीट फिर से मिल चुका है। और आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी आपको मतलब के जो मुर्शिदाबाद वाला ब्लॉग है उसमें मुझे विंडो सीट ही मतलब इमरजेंसी विंडो ही मिला था। तो इस विंडो का बात मतलब मज़ा ही अलग है। और मैं अपनी अगर सीट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा 23 नंबर सीट है, जो एक लोअर बर्थ है, साइड लोअर जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली साइड लोअर मिलने का मुझे खुशी नहीं है, एक तरह का दुख बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा टिकट जो भी था वो कंफर्म नहीं हुआ आरएसी में आकर रुक गया ड्यू टू पूजा रश। तो आपको पता ही है कि कोलकाता का दुर्गा पूजा जो भी होता है मतलब काफ़ी उसमें रश होता है, जिसमें टिकट मिलना काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता है। तो मैंने तो टिकट किया था मतलब 15-20 दिन पहले ही किया था, बट कंफर्म नहीं मिल पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडो सीट मिल गया है, वो भी इमरजेंसी विंडो के साथ, क्योंकि को पैसेंजर है वो, मैं अपने अब्बू के साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग में उतना प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं आ रही सीट के वजह से, क्योंकि दो जन मतलब शेयर करने पड़ेगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी टिकटिंग के बारे में मैं बात कर लूँ तो मैं आज जो ट्रैवल कर रहा हूँ हावड़ा से इकचारी तक का मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए 245 मैंने पे किया है, बट ये ट्रेन आपको हावड़ा से भागलपुर जाती है, जो टोटल 465 किलोमीटर है। तो मैं 465 किलोमीटर में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, 380 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एसी फर्स्ट क्लास भी मिल जाएगी, सेकंड क्लास भी मिल जाएगी, थर्ड क्लास भी मिल जाएगी, और जनरल भी है, और आपको जो भी मतलब स्लीपर भी है। तो हावड़ा से भागलपुर अगर आप जाइएगा तो स्लीपर का कुछ आपको 255 पे करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट एसी में अगर जाइएगा तो 1600 पे करना पड़ेगा, सेकंड एसी में जाइएगा तो आपको लगभग वही 1000 पे करना पड़ेगा, और अगर थर्ड एसी में जाइएगा तो वही लगभग 700-800 के लगभग में, आई थिंक 700 है तो वो पे करना पड़ेगा। तो मतलब प्राइसिंग यही है हावड़ा से अगर भागलपुर अगर आप जाइएगा तो। और ट्रेन का मतलब पंचुअलिटी आप अगर देखिएगा तो पंचुअलिटी एकदम मतलब बेसिक से एकदम बना के रखता है, मतलब लेट नहीं होता है। मैं तो आप देख सकते हैं कि अभी मतलब अपना ट्रेन आईटी टाइम चल रहा है, तो इसका पंचुअलिटी के हिसाब से मैं बात करूं तो इसका पहला स्टॉप बर्दवान है, बोलपुर शांति निकेतन है, फिर एंड सोन रामपुर हाट है, पाकुड़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पाकुड़ तक और आप बोल सकते हैं कि तीन पहाड़ तक, यहाँ तक इसका रन तो काफ़ी सही है, बट इसके बाद इसका मतलब कि बफर टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक किलोमीटर पर मतलब के थोड़ा थोड़े दूर पे ही मतलब के ये 360-370 10 किलोमीटर पे ये काफ़ी टाइम दिया हुआ है। तो ये बफर टाइम के वजह से ये राइट ही टाइम पहुंचता है भागलपुर अपना, बट ठीक है जो भी मतलब बफर टाइम देके ही मैनेज करता है, बट राइट टाइम ही चलता है, जो टाइम पे बोलता है वही टाइम पर पहुँचा देता है। उस हिसाब से मतलब कि ये इस रूट का मतलब आप बोल सकते सबसे प्रीमियम ट्रेन है, मतलब कि लेट तो मतलब बहुत ही कम करता है। तो अपना जो भी नेक्स्ट स्टॉप है वो बर्दवान है, बट उससे पहले मैं इस ट्रेन का मतलब कि पैंट्री के मैं बात कर रहा हूँ, तो पैंट्री तो इसमें नहीं है भाई। मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी अगर इस ट्रेन में अगर टिकट करने का अगर सोच रहे हैं तो ये एक रात की ट्रेन है, और आप लोग को अपना खाना घर से लाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें मतलब कि आपको ना साइड पैंट्री है ना मतलब कि पैंट्री का कोई कोच है। तो ई कैटरिंग अवेलेबल है इसमें, बट वो भी हावड़ा में और बर्दवान में अवेलेबल है, बाकी कोई भी स्टॉप में कोई भी मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप जो भी मतलब कि इस ट्रेन में अगर टिकटिंग करने का सोच रहे हैं इस रूट पे जाने का, तो खाना लाना मत भूलिएगा भाई, खाना लाना मस्ट है। और ये एक ICF कोच होने के वजह से काफ़ी पुरानी रेक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक स्विचेस सारे मिल जाती हैं और एक चार्जिंग पॉड भी मुझे मिल जाता है यहाँ पे। बट ट्रेन का मतलब कि कोचेस के मतलब जो भी है हालत बहुत ख़राब है, तो अगर जल्दी से जल्दी एलिजिफाइड हो जाए तो अपने लिए काफ़ी अच्छा होगा, बाकी रात की जर्नी तो काफ़ी अच्छी होती है। तो हम लोग सीधा बर्दवान के अराइवल में मिलते हैं। Yeah.
बर्दवान जंक्शन काफ़ी ब्यूटीफुली डिपार्ट करते हुए और ये देख सकते हैं आप ट्रैक चेंज कर रही है, ये अपने लूप लाइन में थी और ये मेन लाइन में जा रही है। तो अगर लूप लाइन और मेन लाइन नहीं होता तो आप लोगों को अगर लूप लाइन और मेन लाइन के बारे में नहीं पता है तो मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो चाहते हैं आप अलग से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप अगर ये जर्नी को अगर इंजॉय कर रहे हैं अगर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, नीचे बस रेड बटन है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बर्दवान जंक्शन डिपार्ट कर गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें पेंट्री नहीं है तो आपको अपना घर से ही खाना लाने पड़ेगा, तो मैंने भी लाया है। तो जब तक मैं अपना खाना खा लेता हूं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। बस इमरजेंसी विंडो का बस यही एक मजा देख सकते हैं, मतलब काफ़ी मतलब लाइवली फील आता है जब आप इमरजेंसी विंडो के बगल में आप बैठ के ट्रैवल करते हो। तो ये ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं बर्दवान जंक्शन को डिपार्ट कर चुकी है हमारी जमालपुर सुपर एक्सप्रेस। और आप देख सकते हैं कि टाइम भी काफ़ी हो गया है, मतलब 11 बज ही चुका है तो खाना खाने का टाइम हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी मतलब के बैटरी कार नहीं है, ना ही आपको मतलब कि कोई भी कैटरिंग सर्विस मिलेगी यहाँ पर, तो आपको घर से लाना आपका ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप हावड़ा या बर्दवान में आप मंगा लीजिए, मंगा सकते हैं। ई कैटरिंग की मतलब की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं तो घर से खाना लाया था, मैं जब मैं अपना खाना कंप्लीट कर लेता उसके बाद मैं दोबारा कंप्लीट करता हूँ। और अगर ट्रेन की साफ सफाई के मैं बारे में बात कर लूँ अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेसिक सा एकदम आपको टैब मिल जाता है और एकदम मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी गंदा है। तो यहाँ पर मिरर भी आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम गंदा, मिरर भी पूरा गंदा ही है। तो मैं अगर इसकी क्लीननेस की बात करूँ तो भाई क्लीननेस की ज़रूरत है यहाँ पे, और तो कुछ इसमें है नहीं आपको दिखलाने का। तो मैं अगर इसकी क्लीननेस की बात करूँ, अगर बाथरूम की बात करूँ तो काफ़ी गंदा है ये। तो इंडियन रेलवे को चाहिए कि इसको एक बार, आप देख सकते हैं कि मेरा मुँह मतलब सही से दिख नहीं रहा है, तो मतलब क्या ही मैं मतलब क्लीननेस की रेटिंग दूँ। और ये हम लोग भोलपुर शांति निकेतन अराइव करते हुए अपने निर्धारित समय से 5 मिनट डीले है। बर्दवान में हम लोग 10 मिनट डीले थे बट यहाँ पर 5 मिनट मैनेज किया है, तो अभी हम लोग 5 मिनट डीले चल रहे हैं। ग्यारह बज के 41 है, 5 मिनट डीले पहुंच रहा है यहाँ पे ट्रेन। तो आप देख सकते हैं हम लोग भोलपुर अराइव कर चुके हैं और यहाँ का स्टेशन कोड है BHP और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स 3 है और मतलब काफ़ी बिजी स्टेशन है। बिजी स्टेशन होने का इसका ये कारण है कि ये मतलब कि ये वेस्ट बंगाल का सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। यहाँ पे एक शांति निकेतन है जो रविंद्रनाथ टैगोर का फाउंडेड है, तो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जो मतलब के विंटर का जो भी पीरियड रहता है मतलब कि काफ़ी मतलब के टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब प्लेस ये माना जाता है। मतलब आप मिड ऑफ नवंबर दिसंबर ये प्लेस में आए तो काफ़ी मतलब के यहाँ पे आपको टूरिस्ट काफ़ी दिखेंगे। तो ये एक मतलब के वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे मतलब के इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम बहुत पहले ही हो चुका है, तो मतलब के काफ़ी अच्छा स्टेशन है ये।
तो यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है, और देख सकते हैं आप इमरजेंसी विंडो होने का यही फ़ायदा है कि आप ब्लॉगिंग आप अपने सीट पे बैठ के कर सकते हैं, और मतलब कि बाहर का अंदर का सारा कुछ दिखला सकते हैं। तो बस डिपार्चर में आपको दिखाता हूँ, भोलपुर साथी निकेतन के डिपार्चर में आपको ये वीडियो में मिलता हूँ। और ट्रेन की हॉकिंग हो चुकी है, मतलब WAP-5 का हॉकिंग मतलब कि काफ़ी मतलब अलग रिकॉग्नाइजेशन है इसका। भोलपुर शांति निकेतन स्टेशन की लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है और वेल मेंटेन स्टेशन है, आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, तो काफ़ी सही स्टेशन था। इसका आउटर तो काफी सही लग रहा है, मतलब और अगेन हम लोग लूप लाइन से मेन लाइन में जाते हुए, भोलपुर से लेकर कर तो अभी ये 145 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, और आप देख सकते हैं कि हम लोग एक कोई छोटी स्टेशन अभी पार कर रहे हैं, और इसका नेक्स्ट स्टॉप है आपका संथाई जंक्शन है जो 30 किलोमीटर के बाद आती है, तो मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। और यहाँ पर अहमदपुर जंक्शन में हम लोग की ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी थी, कुछ सिग्नलिंग का प्रॉब्लम था, तो अभी अभी डिपार्ट ले रही है। यहाँ पे स्टॉप था नहीं, फिर भी यहाँ पे रुका हुआ था, कुछ सिग्नलिंग का प्रॉब्लम था। और हम लोग ये संथाई जंक्शन पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका यहाँ पे टाइम था 12:17 है पहुँचा, तो 10 मिनट के लगभग फिर डिले ही चल रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आपका रामपुर हाट है, और ये संथाई जंक्शन में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से 5, और डेली यहाँ पे 50 ट्रेन हॉल्ट करती है, तो हॉल्टिंग ट्रेन तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मेनली यहाँ पर आपको नॉन लोकली ट्रेन रुकती है, तो उतना बड़ा स्टेशन नहीं है, फिर भी एक ये रूट का ये मेन स्टेशन माना जाता है। तो रात काफ़ी हो गई है, तो सोने की तैयारी करते हैं। अगर रामपुर हाट में अगर मैं जागा रहा तो आपको कवर करके दिखाऊँगा, तब तक के लिए सोते हैं और सुबह मिलते हैं। एक्चुअली सुबह हम लोग की डेस्टिनेशन स्टेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी मतलब कि प्लानिंग कर रहा हुआ कि मेरा टिकट तो 1:15 तक का कटा हुआ है, लेकिन मुझे उससे 1-2 स्टॉप पहले ही उतरना पड़ सकता है, क्योंकि मैं वहां से कहीं और जाऊंगा, तो आसानी मुझे मतलब वहीं से पड़ेगी, तो मैं देखता हूँ, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो अभी तक के लिए मैं सोने चलता हूँ, और जो भी अपना बेडिंग है मैं कर लेता हूँ, और एक ही बार अगर आपको रामपुर हाट कवर करके मैं दिखा सकता हूँ तो अगर जागा ना तो दिखाऊँगा, नहीं तो आपसे डायरेक्ट सुबह ही मिलूँगा। और ये कंचन कन्या एक्सप्रेस अराइव करती हुई, ये आपको सिलीगुड़ी जाने के लिए काफ़ी मतलब के बेस्ट ट्रेन मानी जाती है जो भी NGP है। और ये हम लोग संथाई जंक्शन से अराइव करते हुए, और हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है रामपुर हाट, तो तब तक के लिए गुड नाइट, और अगर मैं जा रहा तो आपको जरूर पर कवर करके दिखाऊंगा। अभी अचानक से नींद खुली तो देखा रामपुर हाट में बहुत देर से खड़ा था, 10-15-20 मिनट से खड़ा ही था, तो अभी डिपार्ट किया है, और ये रामपुर हाट एक जंक्शन माना जाता है, तो यहाँ पर ये एक बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये स्टोन क्रशर और माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अचानक से नींद टूटी तो मैं सोचा कवर कर ही लूँ इसको भी।
तो अभी मैं सो के उठा हूँ और आपको 3:24 हो रहा है, तो मैं आपको बताना भूल गया कि जो हम लोग RSC सीट था TT ने आके उसे अपग्रेड कर दिया और हम लोग को एक बर्थ मिल गया था, तो नींद काफ़ी अच्छी आई, 1-2 घंटा जो भी मैंने सोया। तो अभी हम लोग साहिबगंज अभी पहुँचने वाले हैं, तो 10 किलोमीटर और बाकी होगा और ट्रेन एकदम राइट टाइम में चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि ट्रेन जो भी 10-15 मिनट डिले चल रही थी वो अभी राइट टाइम चल रही है। तो आपसे साहिबगंज स्टेशन पर मिलते हैं। और ये हम लोग साहिबगंज जंक्शन अराइव करते हुए, और ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर नंबर प्लेटफॉर्म 3 है और यहाँ पे टोटल 30 ट्रेन डेली हॉल्ट करती है और यहाँ से 11 ट्रेन ओरिजिनेट करती है और 11 ट्रेन टर्मिनेट करती है। तो ये एक काफ़ी बड़ा लाइन, मतलब कि बड़ा स्टेशन माना जाता है। और ये JCD पैसेंजर की रेक यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JCD पैसेंजर की रेक खड़ी है। और ये साहिबगंज जो भी मतलब ये स्टेशन है साहिबगंज जंक्शन, ये काफ़ी मतलब के फेमस है अपने साहिबगंज लूप के लिए। तो यहाँ पर जो खाना जंक्शन से जो भी लाइन कटती है वो जाके आपको क्यूल में मिलती है, तो ये एक लूप बन जाता है। और यहाँ पर मालदा से भी जो भी मतलब लाइन आती है तो यहाँ पर आके कनेक्ट होती है, बट जनरली ये खाना और क्यूल जंक्शन का जो भी मतलब कि एक लूप क्रिएट करता है, तो जिसके वजह से इसको लूप लाइन बोला जाता है, तो जिसके वजह से ये फेमस है कि यहाँ पे मतलब ये काफ़ी ट्रेन आके हॉल्ट करती है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 30 ट्रेन डेली आके हॉल्ट करती है और 11 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट करती है, तो एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टेशन इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का माना जाता है इसे। तो आइए हम लोग इसके डिपार्चर में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी स्टेशन पे उतरा हूँ चाय की तलाश में, चाय मिल जाए तो 4 बजने वाला है, तो अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए इस समय, और वेदर भी काफ़ी कूल हो मतलब अभी हो चुका है, मतलब गर्मी का कुछ ऐसा एहसास ही नहीं लग रहा है, तो चाय मच नीडेड है अभी। तो देखते हैं, हम लोग खोजते हैं कि चाय कहाँ मिलता है। नींबू चाय भी है क्या भाई? हाँ दे दीजिए एक ठो। कैसे करके है? 10 भी है। तो हम लोग को ये चाय मिल गई है अभी साहिबगंज में, हमारी मॉर्निंग टी हो रही है, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ऐसे तो स्टेशन पे अच्छा चाय मिलने का उम्मीद नहीं है, तो स्टेशन काफ़ी खाली है और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई है। यहाँ पे 3:35 में इसका टाइम था और अभी 10-15 मिनट डिले चल रही है। चाय जो है वो मतलब उतनी भी ख़राब नहीं है, पीने लायक है, बट काफ़ी गर्म है और मतलब मुझे उतना गर्म चाय पीने का आदत है नहीं, तो चाय पी सकते हैं आप, उतनी भी ख़राब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे स्टॉल नहीं दिख रहा है, तो कुछ खाने का यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट दूर में वहाँ पर मुझे एक
सन पापड़ी बेचने वाला मतलब कि दिख रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने यहाँ से अभी सोन पापड़ी लिया है, तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके टेस्ट करके कैसा है। तो इसमें मतलब कि कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, तो इसका टेस्ट देखते हैं। खाने का तो कुछ था नहीं, तो बस यही ले लिया, तो बस यहीं पे बेच रहा था तो मैंने ले लिया। तो अब देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा है और फिर आपको रिव्यू देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्टॉल कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी रात का क्रेविंग के लिए बस यही काम चला लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर आधा घंटा से बैठे ही हुए हैं। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली, वो सोन पापड़ी जो मैंने लिया था वो पूरा ख़त्म कर लिया, और अभी तक मतलब के कुछ सिग्नल का पता नहीं है। देख सकते हैं पीछे, एक्चुअली ये लूप लाइन है, तो यहाँ पर मतलब के काफ़ी मतलब के मालदा से भी जो लाइन आती है यहाँ मिलती है, फिर क्यूल वाली, और ये जो हम लोग खाना से आ रहे हैं बर्दवान की तरफ से, तो यहाँ पर तीन चार मतलब के सेगमेंट है जिसके वजह से ये थोड़ा कंजेशन वाला लाइन है, तो इसीलिए आगे ट्रैक क्लियर नहीं मिलता होगा। तो देखते हैं जैसे ही अराइव डिपार्चर होता है, मैं आपको डिपार्चर मैं दिखाता हूँ यहाँ से। हॉकिंग हो गई है, तो मैं अपने कोच में चलता हूँ। और ये 35 मिनट के वेटिंग के बाद अपनी नंबर आई है, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं अब साहिबगंज डिपार्ट करते हुए। राइट टाइम चल रही थी, लेकिन 35 मिनट यहीं पे डिले हो गई। और हम लोग यहाँ पर आपको मिर्जा चौकी कुछ बोल के एक स्टेशन है वो डिपार्ट करते हुए। और बेसिकली हम लोग का डेस्टिनेशन स्टेशन अपना एकचारी होने वाला था, लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि पीरपैंती जाए उतरने का, क्योंकि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं अभी, जो वहाँ से मतलब मुझे एक जगह और जाना है, तो वो मतलब कि इससे पहले उतरने से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब पीरपैंती उतरते हैं, तो आपको पीरपैंती अराइवल में मिलते हैं हम लोग। लेट्स मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट जर्नी, न्यू ब्लॉग, न्यू सिटी। तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ अगर मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जो मन है आपको वो करिएगा।